सब्सक्राइब कीजिए देसी इंडियन फूड को एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज हम बनाएंगे मसाला स्टफ इडली। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल और इसमें हम डालेंगे बारीक रवा 250 ग्राम हमने ले लिया है। डालेंगे 200 ग्राम दही, ये हमारे घर की दही है, हमने जमा कर रखा था। डालेंगे एक चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और एक स्मूथ बैटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा ही डालकर बैटर बनाना है, एक साथ पानी हमें नहीं डालना है। डायरेक्शन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जो इडली है वो बनेगा नहीं। 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। हमने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई और अभी इसमें हम डालेंगे तेल। तेल हमने लगभग 2 चम्मच ले लिया है, 1 चम्मच राई का पेस्ट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शेंगदाना का बुरादा, बुरादा डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग में। डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, तरह से मिक्स कर लेना है। किया हुआ आलू ले लिया है, इसे हमने छिलका उतार कर हम मैश कर रहे हैं। जैसे के लिए हम आलू मैश करते हैं वैसे ही हमें मैश करना है। मैश किया हुआ आलू तरह से मिक्स कर लेना है। डालेंगे बारीक कट किया हुआ धनिया। फ्लेम ऑफ कर लेंगे, हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। चुके हैं और हमारा जो बैटर है वो सेट हो चुका है, तो इसे हम एक बार फेंट लेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से फेंटना है। रख दिया है बॉईल होने के लिए, जब ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करना है, यहाँ पे हमने 1 चम्मच बैटर ले लिया है। डाला है बैटर और अभी इसमें हम डालेंगे स्टफिंग। इसमें हमने अभी हम डालेंगे बैटर, इसे हमें अच्छी तरह से ढक देना है ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो दिखना नहीं चाहिए। इडली स्टैंड में प्लेस कर दिया है और अभी हम ढक्कन लगाएंगे स्लो मीडियम फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए, इसे पका लेंगे। जो इडली है वो बनकर रेडी हो चुकी है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम चक्कू की हेल्प से निकाल लेंगे। इनके चक्कू की हेल्प से ये इसलिए निकल जा रहा है। नारियल की चटनी, तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है दरदरा कूटा हुआ शेंगदाना और अभी इसमें हम डालेंगे नारियल और हरी मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। डाला है दही, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखते हो कि हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया है एक कलछुल और अभी इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई, सरसों का तेल, करी पत्ता डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा मसाला स्टफ इडली बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।